हेलो दोस्तों, सभी को पहला बड़ा नमस्कार। स्वागत है मेरे बेरी नागपुर के दूसरे एपिसोड में। पिछला एपिसोड जहाँ पे ख़त्म गया था, वहीं से इसको भी शुरू करते हुए बेरी नाग से आगे चलते हुए हमें जाना था अब काली झील। काली झील पड़ती है बेरी नाग से लगभग 12 किलोमीटर आगे होगी। तो उडियारी बंड पहुँचे हैं अभी, ये अब यहाँ से नीचे को है तो चलते हैं। अब ज़्यादा देर न करते हुए आ गए हैं भाई लोग भी। ये एशियन अकेडमी है क्या? अच्छा कोड़ी में, हाँ नीचे है शायद यार। मतलब मौसम के तो क्या कहने हैं, मौसम और व्यूज, जो नज़ारे दिखे ना इस रोड पे, वाह। मोटो ब्लॉगिंग का सबसे ज़्यादा इंजॉय मैंने इसी रोड पे किया है, उडियारी बैंड से आगे को। क्या रोड है कसम से। तो आप भी कभी आते हैं तो ज़रूर लुत्फ़ उठाइए इन हसीन वादियों का। और ज़्यादा क्या कहूँ, वीडियो में आ गए हो तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक। चैनल जिस जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, 2 महीने से 2700 पे अटका हुआ हूँ, फटाफट सब्सक्राइब कर दो। तो यहाँ से है काली झील के लिए रोड इधर से, अब ज़्यादा दूर नहीं है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि नई जगह जा रहे हैं हम भी, और आप भी शायद, आपके लिए भी नई जगह होगी। जो जो गए हैं उन्हें पता होगा कि कैसी जगह है, फिर भी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और क्या कहूँ यार, मंत्रमुग्ध हो गया आज इन नज़ारों को देख के, वाह। सारी गाड़ियाँ यार, ये नहीं है यार भाई मेरे यार, ये क्या यार गणेश, ऐसा भी नहीं था यार वहाँ आगे हो, वो तो बहुत ठूर ताल थे यार। हाँ हाँ, फील्ड जैसा रोटा का मलमल यार, ये रोड से वही पहला कच्ची रोड से उधर देखिए, ना ना कच्ची रोड का थी ना यार, मेन रोड अलग थल पुतनी वाले यार, थल वाले रोड से देखना क्या लिखा है नोटिस बोर्ड में। चलो मैं देख के आता हूँ। तो रास्ते का कुछ अता पता नहीं है हमको, पता नहीं कहाँ पे है काली ताल। ढूंढते ढूंढते मतलब कई टाइम हो गया, अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। आगे से पता नहीं, रोड के किनारे पे बता रहे थे, अब पता नहीं कहाँ है काली ताल। फाइनली कंफर्मेशन करके अब क्लियर हो गया है कि यही रास्ता है काली ताल का। मैं आया था वैसे बहुत साल पहले, पर उतना याद नहीं था। अब खैर आज वीडियो बना लिया तो आज अब सभी को पता चल जाएगा कि कहाँ पे है काली ताल। ये ले जा रहे हैं भाई आगे आगे गाड़ी, वो वहाँ पे है वो सामने, चलो आओ। मतलब अब धीरे धीरे नज़ारे
नजर आने लगे हैं काली ताल के, मतलब कि गो यार आप में बिल्कुल। अभी तक तो लग रहा था एक बार वापस चले जाए यार, कहाँ हैं, अब फाइनली मतलब वाह रंगत आ गया, रंगत हो भाई लोग पहुंचे हैं, ये है काली ताल। खोल, डर मत यार, डर के आगे जीत है गोलू भाई। उतारो, मैंने तो उतार लिया है सब। वाह मतलब बिल्कुल नज़ारे क्या कहें, अब एक नंबर के नज़ारे दिख रहे हैं। अब दिखाता हूँ मैं भी आपको कालीकट झील का जो प्राकृतिक दृश्य है। वहाँ पानी हालांकि कम है आजकल, वैसे जब बरसात का टाइम होता है तब ज़्यादा पानी होता है, फिर भी गजब है बाबा गजब। ओहो राम, दिखाऊं फिर मैं, ये देखो ये है झील, इसी झील में नहाएंगे हम लोग। वाओ बताते हैं, पहले दो लोगों की डेथ हुई थी आज से एक दो महीने पहले। चलता हूँ मैं, गोलू भाई यहाँ पे दर्राटे काट रहे हैं। ये देखो यहाँ पर मतलब 2 मीटर आगे आने पे पानी पहुंच गया कमर तक, और मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। आप भी अगर कभी आते हैं तो ज्यादा आगे जाने की कोशिश ना करें। गोलू भाई हमारे चश्मे में हालांकि फुल फैशन में है पर डर बहुत रहे हैं, मेरे को थोड़ा सा और आगे जाना है क्योंकि मैं दिखा। अब ये देखो धीरे धीरे छाती तक आ रहा है मेरा पानी, खड़ा हूँ मैं भी। जितना आगे जाओगे मतलब उतना ही ज्यादा गहरा मिलेगा आपको। ये देखो यहाँ को मतलब और भी ज्यादा है गहरा। अब मैं चलता हूँ, मेरे को तो डर लग रही है भैया, बहुत डर लग रही है। और ये साला हंस रहा है, ये किनारे पे मतलब किनारे का मेढक जैसे होता है वैसे यहाँ पे दुर्राटे काट रहा है और मैं आगे जा रहा हूँ तो हंस रहा है। बाकी काफी खूबसूरत है, आप आ सकते हैं कभी भी इंजॉय करने को आ सकता, मतलब काफी यो बिल्कुल मतलब रंगत पकड़ ले। क्या करें गाइस, ये करना पड़ा क्योंकि अभी फोन गिरने वाला था, तो अभी देख सकते हो आप ये सब न्यूज के चक्कर में कर रहा है और कुछ नहीं। काफी बाहुबली कैमरा पीछे लेता और पीछे लेता। तो आपने देखा होगा अभी ये सब व्यूज के चक्कर में है और कोई काम नहीं और कोई काम नहीं होता। बाहुबली मित्र, आप जो है लगियां बाट घेरी, मौसम ले जो है बादल आने लगे हैं अब धीरे धीरे आसमान में, क्योंकि आजकल जो है चौमास का मौसम चल रहा है। शाम को रोजी जो है बरसना आदत मतलब मौसम ने बना ली है शाम को बरसने की, तो फटाफट निकलने का प्लान है। अब लंच वंच होगा जो बेरीनाग में होगा, बेरीनाग पहुँचने हैं फटाफट। अब मिलते हैं आपको सीधे कहाँ बेरीनाग पहुँचने के बाद। चलो मौसम हो रहा है खराब, चलो कहाँ से लेनी है फोटो। भाई जी मिल गए एक और ये मेडी ब्लॉगर, द मेडी ब्लॉगर। अरे पता है फिर क्यों नहीं होगा पता, तो हम दोनों ने साथ ही शुरू। अबे रुक जा, तो ये भी आए थे अभी ऊपर थोड़ा सा, 200 के साथ आए हम लोग, मिल गए अब साथ में।
बहुत अच्छा लगा। अभी एक ब्लॉग काली लाल का आप देखो, बहुत पहले डाल दिया था। अभी तो द मेडी ब्लॉगर करके इनका चैनल, टीवी मेडी करके अभी मैंने ना ना वो तो जानते हैं। स्टार्टिंग हम दोनों ने साथ ही की थी फिलहाल लगभग लगभग। तो भाई लोग हैं सारे, देख रहा था मैं, ये लोग भी हमारी तरह आए थे। आपको बोला था ना आ जाओ नीचे करके। मेरे को अपने साइड के दो तीन ब्लॉग याद है। एक तो ये सीधे पार से, पहले इनका था सीधे पार से, इन्होंने फिर क्या सीधे डैश पहाड़ से, डैश पहाड़ से, सीधे पार से बहुत से हैं। फिर एक है अपना वो क्या है जो आके बनाते हैं यार, वो दो तीन लौंडे हैं अपने छोटे, उनका ब्लॉगिंग चैनल है भूल गया नाम, फिर बाद में बताऊंगा उनका नाम भूल गया मैं, वो भी मेरे से छोटे ही है। मैं बहुत बार यार तुम्हारे दुकान का से गुजरा भी हूँ, मैंने कहा सीधे पहाड़ से तीन चार महीने पहले। तो काफी अच्छा लगा इनसे मिलके। चलो थैंक यू बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। वहां से पहुंच गए, बहुत ज्यादा ठंडा हो गई है, बहुत तगड़ी वाली बारिश, रुक गए हैं यहाँ पे। Oh.